पहले नहीं आ पाया। मुंह पे लग गया आतंकी का माइक। अगर आपको पता होगा चकर लो यार, हाथ डालो। दिल्ली का जो मौसम है, दिल्ली का अब आई जाज पूर्ण नहीं पा रहे, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है जिसके लिए देहरादून जा करके परमिशन मिल गई, तो देहरादून से मैं चल करके आया हूँ। मैं बहन सैम्बुल राणा के समर्थन में सैम्बुल राणा ऐतिहासिक वोटों से जीते, मीरापुर से ऐतिहासिक जीत को इसके समर्थन सहयोग के लिए आया हूँ। है किसान की शायद चीनी मिले चलनी हो, याद होगा आपको लेकर सरकार ने कहा था कि उसको कैपेसिटी बढ़ा देंगे, लेकिन कैपेसिटी नहीं बढ़ी। इस मोरना की चीनी मिल की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, गन्ने की हमेशा कीमत बढ़ा करके किसानों को दी, किसानों की जरूरतों को चाहे खाद बिजली कीटनाशक दवाइयाँ उसको मदद करने का काम किया। ये क्षेत्र हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करके यहाँ पर प्रयोगशाला के माध्यम से प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ का एक एक जनमानस किसान हर समाज के लोग पीडीए परिवार के लोग इस बार उनकी साजिश को खत्म करेंगे और भाईचारा को जिता करके एक संदेश देने का काम मीरापुर से करेंगे। तो जाओ भाई ऐसा ना करो, क्योंकि बीजेपी थोड़ा सा उनके किसी भी साथी को टिकट नहीं। भाई वो मुंह पर अलग जाओ मारोगे क्या? खतरा है और जहाँ तक सवाल पीडीए का है, इसमें दलित अल्पसंख्यक हमारे सिख भाई, अल्पसंख्यक हमारे मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक के साथ साथ आदिवासी, और सबसे बड़ी बात है ये आदि आबादी का नेतृत्व करने जा रही है सैम्बुल राणा। यार क्या हो रहा भाई उनके आज समाजवादी पार्टी बिल्कुल सबसे ज्यादा सीटें उनके कौन ही मात यहाँ पर भाई हाथ पकड़ो भाई मेरे मुंह पे लग जाएगा यार। मैं इस बात को हो गई है इसलिए पीडीए का नारा दे रहे हैं। जो भी आता है दंगे का जिक्र छेड़ के जाता है। जो भाई अभी से देख पर कर ले यार कौन है। भाईचारे को खत्म नहीं होने देंगे, भाईचारा एक बढ़े और ये भाईचारा का संदेश देगा ये चुनाव। 50 CM मुस्लिम समाज को बिरयानी का तेज पत्ता बता रहे हैं। 50 CM DHT CM को स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। 10 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई और निगलिजेंस था, मेडिकल निगलिजेंस था जिसके कारण गई है जान। अस्पतालों में सरकारी कहीं इलाज नहीं हो रहा है। आपकी एम्बुलेंस थी वो खराब कर दी। PSC CSC जिला अस्पताल में किसी गरीब को इलाज नहीं मिल रहा है। कम से कम डिप्टी सीएम को उसकी चिंता करनी चाहिए। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है झांसी को लेकर, कहीं ना कहीं अपनी कमियां छुपा रही है। जो बहादुर लोग थे जिसमें हिंदू मुस्लिम जो नौजवान थे, मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई। उसमें एक नौजवान अल्पसंख्यक यकूब जिसने जान बचाई, एक और नौजवान था जिसने जान बचाई, नेक्स्ट ने जान बचाई। उनको सरकार को सम्मान करना चाहिए। उन बच्चों को जिन्होंने बच्चों की जान बचाई है उनके बड़े पैमाने पर सम्मान सरकार को करना चाहिए।